नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है और दोस्तों आज हम इकट्ठा हुए हैं एक और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। दोस्तों हमने सप्लाई तो पढ़ा है, हम सप्लाई जानते हैं, आज हम बात करेंगे कितने तरह की सप्लाईज होती हैं। पांच तरह की सप्लाईज के बारे में डिस्कशन करेंगे और आपने सभी सुना हुआ है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, बहुत यूज कर रहे हैं, कॉमनली यूज टर्म्स हैं। एग्जेम्प्ट सप्लाई, निल रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई एंड नॉन जीएसटी सप्लाई। पांच तरह की सप्लाईज हैं, आपस में इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, बड़ा ही माइन्यूट सा लेकिन सिग्निफिकेंट सा डिफरेंस है। इन पांचों तरह की सप्लाईज में डिस्टिंग्विश करना क्यों जरूरी है, उसके तीन कारण है दोस्तों। पहला, रिपोर्टिंग। हमें इन पांचों तरह की सप्लाईज को जीएसटीआर 1 और 3B में डिफरेंट प्लेसेस पर रिपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए डिटरमाइन करना जरूरी है कि ये पांचों तरह की कौन कौन सी सप्लाईज हैं, एग्जेम्प्ट, निल रेटेड, जीरो रेटेड, नॉन टैक्सेबल, नॉन जीएसटी सप्लाई। पहला की रिपोर्टिंग। दूसरा, टू कैलकुलेट द एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट किया जाता है थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करने के लिए और ऑडिट की लिमिट को चेक करने के लिए। उसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट करने के लिए एग्जेम्प्ट सप्लाई को डिटरमाइन करना जरूरी है, इसलिए पता होना चाहिए एग्जेम्प्ट सप्लाई कौन सी है। तीसरा कारण जो है, ईवे बिल जनरेट करने के लिए ये डिटरमाइन करना जरूरी है कि कौन सी एग्जेम्प्ट सप्लाई है और कौन सी नॉन एग्जेम्प्ट सप्लाई, मतलब टैक्सेबल सप्लाई है, क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाई के केस में ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। तीन कारण। सबसे पहले एग्जेम्प्ट सप्लाई, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। दोस्तों एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन एग्जॉस्टिव प्लस इंक्लूसिव दोनों है। वो कहता है कि एग्जेम्प्ट सप्लाई मींस विच अट्रैक्ट्स निल रेट ऑफ सप्लाई, निल रेट ऑफ टैक्स, मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर ही निल रेट ऑफ टैक्स की सप्लाई को भी जोड़ा हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि होली एग्जेम्प्ट सप्लाई, होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, वो एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर वो भी जुड़े हुए हैं जिनके ऊपर कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है टैक्स अंडर सेक्शन 11 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। और तीसरे तरह की सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑल्सो। तो यहां पर तीन एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर तीन डिफरेंट सप्लाईज हैं, नॉन टैक्सेबल, होली एग्जेम फ्रॉम टैक्स एंड निल रेटेड। निल रेटेड भी एग्जेम सप्लाई के अंदर ही है, तो इसका मतलब एग्जेम सप्लाई निल रेटेड, होली एग्जेम फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 11 एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई को जोड़कर एग्जेम सप्लाई बनता है, और एग्जेम सप्लाई बनता है एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड। अब पार्शली एग्जेम सप्लाई जो है वो एग्जेम सप्लाई नहीं बनती है, ध्यान रखिएगा। एग्जेम सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज दो नोटिफिकेशन के द्वारा डिटरमाइन किए गए हैं, नोटिफाई किए गए हैं। गुड्स के लिए नोटिफिकेशन है 2/17 सेंट्रल टैक्स रेट, टाइम टू टाइम नोटिफाई हुई है, टाइम टू टाइम अमेंड हुई है। और सर्विसेज के लिए नोटिफिकेशन है 12/17 सेंट्रल टैक्स रेट, जो कि टाइम टू टाइम अमेंड हुई है। तो आप ये दोनों नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट सप्लाईज को डिटरमाइन करने के लिए ऑफ गुड्स और सर्विसेज चेक कर सकते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात एग्जेम्प्ट सप्लाईज के केस में कि यहां पर एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए जो इनवर्ड सप्लाईज होती है, एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाईज के लिए जो इनवर्ड सप्लाईज होती है, उनके ऊपर कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में आपको नहीं मिलता है। निल रेटेड सप्लाईज कौन सी होती है दोस्तों? निल रेटेड सप्लाईज कहीं भी डिफाइंड नहीं है एक्ट में, लॉ में कहीं डिफाइंड नहीं है। और इंटरेस्टिंगली एक भी गुड निल रेटेड नहीं है, सर्विसेज दो हैं, दो सर्विसेज है 11/17 सेंट्रल टैक्स रेट की नोटिफिकेशन में, दो सर्विसेज है, आइटम नंबर 16 और आइटम नंबर 24। ये निल रेटेड सप्लाईज वो होती है जो निल रेट पे, मतलब 0% पे टैक्स्ड होती है, निल रेटेड होती है। इनको निल रेट करने के लिए किसी भी एग्जेम्प्शन नोटिफिकेशन को लाने की जरूरत नहीं है, ये निल रेट 0% पे टैक्स्ड होती है। दो आइटमें हैं इसमें, गुड्स के केस में तो कोई शेड्यूल ही नहीं है 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में, लेकिन सर्विसेज में 11/2017 में दो आइटम है, 16 आइटम और 24 नंबर आइटम। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंटल एजेंसी को कोई भी लीज्ड ऑफ लैंड की सर्विस देती है तो वो निल रेट पे टैक्स्ड है। अगर कोई सपोर्ट सर्विस एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, फार्मिंग के लिए कोई सपोर्ट सर्विस दी जाती है तो वो निल रेट पे टैक्स्ड है। ये तो निल रेट है, इसी के साथ कॉमनली यूज होता है जीरो रेट। ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। निल रेट तो मतलब 0% टैक्स रेट, लेकिन जीरो रेट जो है वो सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में डिफाइंड है, उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं कॉमनली, या सप्लाई बाय एसईजेड कहते हैं कॉमनली।
इनमें बहुत बड़ा अंतर है निल रेट और जीरो रेट में, वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। निल रेट में कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन जीरो रेट में आप जो भी गुड्स आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं वो जीरो रेटेड गुड्स माने जाते हैं, उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवेलेबिलिटी, आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आप एग्जम्प्ट आइटम्स को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भी उन एग्जम्प्ट आइटम्स की सप्लाई एक्सपोर्ट करने के लिए, जीरो रेट करने के लिए, आउटसाइड इंडिया भेजने के लिए जो इनवर्ड सप्लाईज हैं उसके ऊपर आपको रिफंड अवेलेबल है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, और उसका सेक्शन 54 में रिफंड भी अवेलेबल है दोस्तों। निल रेटेड और जीरो रेटेड में बेसिक डिफरेंस। अब आते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई, सेक्शन 2 सबसेक्शन 78 में सीजीएसटी एक्ट के डिफाइंड है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, वो सप्लाई जो कि नॉन लेवी टू टैक्स है, जिसके ऊपर टैक्स लग ही नहीं रहा। दो तरीके की आइटम है, अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के 5 प्रोडक्ट जो नॉन लेवेबल टू टैक्स हैं। रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जम्प्ट सप्लाईज, निल रेटेड, जीरो रेटेड, एग्जम्प्ट सप्लाई, निल रेटेड और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज को जीएसटीआर 1 में टेबल 8 में रिपोर्ट करना है और जीएसटीआर 3B में टेबल 3 में रिपोर्ट करना है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई और उसके बाद नॉन जीएसटी सप्लाई कहीं डिफाइंड नहीं है, लेकिन आपस में इंटरचेंजेबली यूज होती है। आपको ध्यान रखना है कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या है और नॉन जीएसटी सप्लाई क्या है। ये 5 तरह की सप्लाईज में हमने बेसिक अंतर देखा दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आगे आप इसको शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आगे काम करते रहने का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।